नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की विवादित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। कुरान की 26 आयतों को हटाने के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए वसीम रिजवी मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने वसीम रिजवी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई है, जिसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकाला गया और थाने पहुंचकर थाना प्रभारी एमपी सिंह को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता साजिद अत्तार ने वसीम रिजवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका यह कृत्य बहुत ही शर्मनाक है, उन्माद फैलाने और धार्मिक भावना को आहत करने वाला है, जिसे समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुस्लिम समाज ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करेगा। उनके इस कदम से विश्व में भारत का नाम गंदा होगा। वसीम रिजवी देश में आपसी भाईचारे के बीच वैमनस्यता फैलाने का कार्य करना चाहते हैं। इस मौके पर इकराम त्यागी, आमिर त्यागी, हाजी साजिद अत्तार, मौलाना फिरोज, नईम आलम, चौधरी वसी त्यागी, हाजी हुसैन त्यागी, शुएब डायर आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, ये जो वसीम रिजवी है, ये असल में सिर्फ नाम इसका मुसलमान है। आप देखेंगे और सोशल मीडिया पर आप देख भी रहे हैं कि वसीम रिजवी की फैमिली ने और उसके पूरे समाज ने और शिया समाज के जो पहले नंबर के धर्म गुरु हैं यहाँ हिंदुस्तान में मौलाना कल्ब जवाद, उन्होंने ये अनाउंस किया है इसके लिए कि वसीम रिजवी मुसलमान नहीं हो सकता अगर वो कुरान के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा है। तो ना उसको उसके कोई जनाजे में शरीक हो, ना उसकी नमाज जनाजा कोई पढ़ाए, ना उसको कब्रिस्तान में जगह मिलनी चाहिए, और ना वो मुसलमान है अगर वो ये सब बातें कर रहा है। क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जो अब से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के ऊपर नाजिल हुई थी, ये आसमानी किताब है। ये इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद उठाई है कि वो इसको मुकम्मल रखेगा। अब से पहले भी सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन हमारे सामने है कि उन्होंने इसके ऊपर काम किया कि कुछ आयतें हटाने की बात कही, लेकिन वो ना हटी है ना हटेगी, ना ही ये किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या अदर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि ये धर्म से जुड़ा मामला है, आसमानी किताब का मामला है, कोई कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, ना ही किसी कोर्ट को इसमें कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। ये आस्था का मामला थाने पे आए थे कि जो वसीम रिजवी है, इसने कुरान की 26 आयतें कुरान से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतने बार दायर किया, उसके खिलाफ आए, जिससे सुप्रीम कोर्ट वो याचिका इसकी निरस्त कर दे और जो ये वादे वो खत्म हो जा, और ये कुरान में से एक नुक्ता भी कोई नहीं हटा सका। ये जो कुरान शरीफ है, ये आसमानी किताब है, ये ऐसा नहीं कि हमारी दुनिया की है कि इसमें से एक नुक्ता हटा दो या बढ़ा दो। ये तो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान को लेकर आए, इसमें से ना कोई हटा सका आज तक, एक नुक्ता ना कोई बढ़ा सका, ना बढ़ सकता ना घट सकता। तो किसके खिलाफ किसको भेजी गई है ज्ञापन? ये राष्ट्रपति महोदय को। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि वसीम रिजवी को कि उसकी याचिका तो ये निरस्त हो जाए और उसे चालू फांसी हो जाए। रिजवी है और वो इस्लाम धर्म में होने के बावजूद नहीं, उसके तो कोई इस्लाम धर्म में मान ही नहीं रहा, उसके घर के नहीं मान रहा कोई भी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव सिकंदरपुर में शिया समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी द्वारा कुरान के प्रति की गई टिप्पणी के प्रति आक्रोशित होकर अपना गुस्सा जाहिर किया और रिजवी का पुतला फूंका और कार्रवाई की मांग की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव सिकंदरपुर में शिया समुदाय के लोगों ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका। कुछ दिन पहले वसीम रिजवी का पवित्र कुरान के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए जाने के कारण समुदाय विशेष में काफी रोष व्याप्त है। आक्रोशित लोगों ने पुतला जलाते हुए वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने सरकार से वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव निर्धना, हैबतपुर आदि गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने पंचायत चुनाव में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव निर्धना, हैबतपुर आदि गांव में चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए आगामी त्योहार और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। इस मौके पर चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह ने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि आगामी दिनों में होली और शबे बारात का पर्व एक ही दिन होने के कारण सभी को यह शांतिपूर्ण तरीके से मनाने हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी भाईचारे का परिचय देते हुए इस दिन त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इस दिन अगर कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेगी और बड़ी कार्रवाई करेगी।
मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव रसूलपुर से थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए बदमाश के विरुद्ध 2 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। पकड़ा गया बदमाश 5 मुकदमे में बांछी चल रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल थाने के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी एमपी सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चरथावल थाने का टॉप 10 बदमाश कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर थाना चरथावल प्रभारी एमपी सिंह के नेतृत्व में अलावलपुर चौकी प्रभारी सुरेंद्र राव ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आरोपी राजकुमार पुत्र प्रेम सिंह निवासी रसूलपुर को दबोच लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पीपल शाह में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार ठाकुर सौरभ सिंह बुंडी ने खेल को खेल की भावना से खेलने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड के गांव पीपल शाह में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य ठाकुर सौरभ पुंडीर ने कहा कि खेल के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज लोग काफी जागरूक हो गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में फुटबॉल क्रिकेट तीरंदाजी सहित अन्य खेलों का आयोजन हो रहा है। बस जरूरत है तो इन खेलों के प्रोत्साहन ताकि हमारे बच्चे इस ओर आकर्षित हों। उन्होंने कहा कि खेल के दौरान हार जीत होती है जिसमें एक टीम ही विजयी रहती है और हारने वाले को भी जीत का प्रयास जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से समाज में खेल के प्रति जागृति आएगी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।